Tim Cook? जो नाम दिल पे हो लिखा इकरार उसी से होता है। तुम पहले जाओ। आसमान पे आसमान उसको देखना बता, वो जो मुझे देख के हंसे। कीजिए।
था मैंने। वो तुमने मेरा? हाँ, मैंने तुम्हारा। सब कुछ मतलब क्या? मतलब वो। हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? अब मैं मेरा मुंह कैसे दिखाऊँ सबको? एक बात बताओ, क्या तुम बाहर जाके ये सबको बताने वाली हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ना तो मैं बताने वाला हूँ। तो मुंह ना दिखाने के बाद आ ही कहाँ से रहा है? पॉइंट तो है बात में। और वैसे भी अगर मैंने देख भी लिया तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? रबाया धर पे यार के, सारा जहाँ छोड़ छाड़ के, मेरे सपने सवार दे, तेनु दिल दा वास्ता, आज दिन चले तेरे रंग वरगा। क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? बताओ ना, क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? अगर मैंने कहा यस, सच में वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? पहले मुझे लगता था शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, बट आई वाज रॉन्ग। एंड नाउ आई हैव अ वाइफ एंड व्हाट? क्या और कुछ नहीं? या तुम्हें कुछ और भी सुनना है? नहीं, मुझे और कुछ नहीं सुनना। जाओ, जाके अपना काम करो। एज अ मिस वाइफी। शादी किया है मैंने जंगकुक, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। नहीं प्लीज ना, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। वैसे भी हनीमून आके कौन करता है? विल यू प्लीज शट अप? नो, आई विल नॉट। तुम हनीमून आके नहीं पढ़ सकते, मैं ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगी। तो तुम क्या चाहती हो? कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूं? क्योंकि हनीमून में तो लोग वही करते हैं। अगर तुम यही चाहते हो तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नहीं, मैं तो ये नहीं कह रही थी। तो कुछ नहीं, तुम जाके पढ़ो, घुसे रहो अपने बुक्स में, बोरिंग इंसान। तुम सब यहाँ? वो हमसे बोर हो रहे थे तो सोचा थोड़ी मजे कर लेते हैं। आई होप हमने तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, मैं भी बोर ही हो रही थी। अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। वैसे जंगकुक कहाँ है? वो रूम में है। क्या वो सो गया है? नहीं, पढ़ाई कर रहा है। क्या हनीमून आके पढ़ रहा है? शुगर, ये हनीमून नहीं पिकनिक है। हाँ तो अगर पिकनिक ही है तो पिकनिक आके भी कौन पढ़ता है? ये लड़का भी ना, चाहे जो हो जाए पर किसी और को वो टॉप नहीं करने देगा। छोड़ो उसे किटी, चलो ना हम क्लब चलते हैं। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। हे मैन, मैंने सुना कि तुम पढ़ रहे थे। तुमने ठीक ही सुना। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरा वाइफ मुझे टच ही नहीं करने देता, तो मजबूरन मुझे बुक्स को ही टच करना पड़ता है। जंगकुक, क्या अनाप शनाप कह रहे हो? क्या मैंने तो सिर्फ सच कहा है। वैसे तुम लोगों को पता है चिमी का एक सीक्रेट एडमायर है कॉलेज में? क्या सीक्रेट एडमायर? फिर से नहीं। क्या तुम प्लीज ये सब टॉपिक बंद कर सकते हो? क्या उसके बारे में अभी कहना जरूरी है? शुका को पता है सीक्रेट एडमायर के बारे में? लग तो ऐसे ही रहा है। मुझे तो उसे एक बार देखना ही है। क्यों देखना है? क्योंकि मैंने जिमी के मुंह से उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, उसके लेटर्स, उसके फ्लावर्स के बारे में। पता नहीं ये मुझे क्या हो रहा है। मुझे तो खुश होना चाहिए ना कि जिमी मेरे बारे में बात करती है, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर त्यांग को पता चल गया कि मैं ही जिमिन का सीक्रेट एडमायर था तो क्या वो मुझे छोड़ के चली जाएगी? पर मैं तो यही चाहता था ना, तो अब मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? हे जंगकुक,
क्या सच में?